माननीय प्रधानमंत्री जी की 16 तारीख को यहाँ विजिट प्रस्तावित है, तो यहाँ सुरक्षा के हमने कड़े इंतजाम किए हैं और भारी संख्या में पब्लिक भी आनी है, तो उसके लिए 14 स्थानों पर हम लोगों ने पार्किंग चिन्हित किया है। इसके अलावा लगभग 200 की संख्या में यूरिनल्स, 50 से ज़्यादा पानी पीने के टैंकर्स आदि व्यवस्था रहेंगी। हमारा कोशिश रहेगा कि पब्लिक को जो सामान्य सुख सुविधा उसमें किस तरह की अव्यवस्था ना हो और अच्छे से दौरा हो। और सबसे पहले हमारा कोशिश रहेगा कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, तो इसके लिए आसपास के जनपद और हमारे जनपद के जितने मार्ग हैं वहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ड्यूटी पर्याप्त रखेंगे ताकि ट्रैफिक हमारा बेहतर रहे। इसके अतिरिक्त जिन भी विभागों से या अदर डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी से हमें जिस तरह के सहयोग की अपेक्षा है, तो हम लोग उनसे बात करके इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है और इसकी हम लिस्ट फाइनल करके शासन को प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय खत्री, जिन्होंने बताया कि उनकी तरफ से शासन प्रशासन पूरी तरह से उस रैली को और जो ऑफिशियल रेलवे का और इसके सिवाय डेवलपमेंट स्कीम का प्रोग्राम है उसको सफल बनाने में दिन रात एक कर रहा है, और उनकी तरफ से कोई प्रयासों में कमी नहीं। टीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।